यो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम नमस्ते सर सकाल, इट्स मी साहिल खालिद बैक अगेन विद अ न्यू रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं वीवो V23 कलर वेरिएंट है सनशाइन गोल्ड, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस और धमाका मचा रहा है इंटरनेट पे और यूट्यूब पे। जो कलर लोग बोल रहे हैं कलर चेंजिंग फ़ोन, जैसे ही आप उसको धूप में रखते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट्स नहीं, चार उंगलियाँ वो छप जाती हैं, ये सब तो बात की बात है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरा चैनल ग्रो बहुत स्लो हो रहा है, तो आप सबकी मदद के वजह से मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को थोड़ा सा प्यार दिखाएं। पहली बात बता दें, ये वीडियो होने वाली है मेन अनबॉक्सिंग और रिव्यू पे। तो हम लोग वीवो V23 को आज मतलब अनबॉक्स करेंगे और पूरा रिव्यू देने वाला हूँ, हॉनेस्ट रिव्यू दूंगा आप सबको कि आप सबको ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कि इतना महंगा फ़ोन है 30,000 का कि वर्थ है लेना कि नहीं है। तो मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा आगे, और आप सबको ये भी बताऊंगा कि मुझे कितने का ये पड़ा था, क्योंकि मैंने ऑफलाइन लिया था, ऑनलाइन नहीं लिया था। और सनशाइन गोल्ड बहुत मुश्किल से मिला मुझे, मुश्किल से नहीं, जब लॉन्च हुआ था उसके जैसे आज लॉन्च हुआ तो मैं शाम ही में चला गया था उसको लेने। तो ये काफ़ी दिनों से रखा रहा था बॉक्स, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था अनबॉक्सिंग का, तो आज मुझे फाइनली टाइम मिला है, तो इसको अनबॉक्स करेंगे जल्दी से और इसका जल्दी से रिव्यू बनाते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। तो वीडियो कहीं से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है हमारा वीवो V23 का बॉक्स, यहाँ पे वीवो की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पे 5G वेरिएंट वाला जो एक्सक्लूसिव 5G है ये फ़ोन, वो दिख जाता है आपको यहाँ पे लिखा हुआ 5G। बैक पे आ जाते हैं तो आपको इसके स्पेक्स और इसके MRP लिखे मिल जाती है, और आपको मॉडल दिख जाता है। और इसके राइट पे आ जाते हैं तो इसके राइट पे भी वीवो की ब्रांडिंग दी। ये बॉक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, अलग ही टाइप का प्रीमियम बॉक्स लगता है ये। और ये वाला जो हमारा वेरिएंट है सनशाइन गोल्ड है, 8GB रैम, 128GB मेमोरी, और मेड इन इंडिया है, सबसे अच्छी बात वीवो ओप्पो एक ही है। तो फिलहाल के लिए गाइस इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं, मुझसे वेट नहीं हो रहा है, तो जल्दी से भाई साहब इसकी सील खोलते हैं। भाई साहब हट जा, बेइज्जती ना करा, खुल चुकी है सील। और एक दो तीन टन टन, ओ ये रहा हमारा फ़ोन भाई साहब, जैसा कि देख सकते हैं। अरे गजब, अभी से आप लोग को देखने को मिल जाएगा इसका जो कलर चेंज हो रहा है भाई साहब, साइड से एकदम कसम से इतना प्रीमियम फ़ोन लग रहा है। और मतलब जब हैंड में आता है तो अलग ही फील देता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट फ़ोन है, इसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्लिम है, आईफोन 13 की तरह बॉडी है इसकी। इन हैंड फील इसका बहुत ज़्यादा प्यारा इस टाइम, मतलब हमें फर्स्ट टाइम तो बहुत अच्छा लगा। तो जल्दी से इसका ये रैप हटा लेते हैं। तो भाई साहब ये हमने हटा दिया है, और अब आप देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है। बॉक्स को करते हैं अभी साइड, अब आप देखिए कितना साइड से प्यारा लग रहा है, अलग ही शाइन मार रहा है ये फ़ोन। ये देखिए कलर कैसे चेंज हो रहा है, अभी गोल्ड हो गया है, अब ये देखिए ब्लू हो गया, गोल्ड ब्लू। तो भाई, तो गाइस इस फ़ोन की जान यही है, स्पेक्स तो अच्छे हैं लेकिन इसका डिज़ाइन है वो सबसे ज़्यादा प्यारा और प्रीमियम है, मतलब कहीं से भी ये फ़ोन आपको चीप नहीं लगने वाला है हैंड में। तो भाई सबसे अच्छी बात तो ये है, जो आईफोन में होता है वो इसमें भी होता है, खड़ा हो जाता है बिना कुछ करे हुए, खड़ा हो जाता है, बस इसको आप ऐसे कर दीजिए। और गाइस अब हम लोग आ जाते हैं बॉक्स की तरफ, तो पहले इसको हटा देते हैं। तो पहले तो आपको सबसे अच्छा ट्रांसपेरेंट कवर देखने को मिल जाएगा, जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, और आपको कुछ पेपर वर्क मिल जाएंगे, पुस्तकें जो कि हम लोग कोई काम की नहीं हमारी। और ये रहा सिम टूल इजेक्टर, और ये है आपका 44W का फ्लैश चार्जर, इसको साइड कर लेते हैं। और गाइस हमको ये कनेक्टर मिल जाता है 3.5mm 2 USB कन्वर्टर, क्योंकि हमें इसमें आईफोन की तरह देखने को मिलता है भाई साहब, ये बवाल अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वीवो ये दे रहा है तो ये सबसे अच्छी बात तो ये है। इसको आप ऐसे लगा दें और फिर आप अपना एयरफोन या ऑडियो से रिलेटेड कोई भी चीज़ लगा सकते हैं और सुन सकते हैं। और यहाँ पे हमें मिल जाता है डाटा केबल। तो अब ये सब जल्दी से सट से साइड कर देते हैं। तो गाइस अब हम लोग आ जाते हैं फ़ोन की तरफ, तो आपको यहाँ पे वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 64MP ट्रिपल ई कैम, और फ्रंट पे कुछ नहीं है, और साइड में वॉल्यूम रॉकर हैं, ये डाउन अप, और ये रहा आपका पावर ऑन ऑफ बटन।
और आपको एक ये डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा कि ये सिंगल स्पीकर है। हालांकि ये लाउड है, लेकिन फिर भी अगर डबल स्पीकर होता तो वो अलग ही बात होती है डबल स्पीकर की, स्टीरियो स्पीकर की अलग बात होती है। तो ये सिंगल स्पीकर है, बस ये ख़राबी मुझे लगी। और ये सिम ट्रे है, आप यहाँ पे सिम टू रिजेक्टर लगा के अपनी ट्रे निकाल सकते हैं और आप आपकी दो सिम लगा सकते हैं। जी हाँ, दो सिम, और वो भी बिना दिक्कत के। और आप लोग को बताऊँ, अभी मैं इसको कई बार ऐसे ऐसे देखिए, इसकी बॉडी पे एकदम भी फिंगरप्रिंट्स या मतलब कुछ नहीं बन रहे हैं। फिनिश मतलब बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिया हुआ है, लुक बहुत ही ज़्यादा पीछे से अच्छा लगता है फ़ोन का, मतलब इन हैंड तो बहुत प्यारा लगता है। अगर आप इसको लेके कहीं निकलने वाले हैं तो आपके फ्रेंड्स और जो भी देखेगा तो आपके फ़ोन की तारीफ तो करने ही वाला है बिल्कुल। जी हाँ, तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से उसको बूट कर लेते हैं और सब कुछ सेटिंग वगैरह कर लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं, क्योंकि सब सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो गाइस, हमारा जो स्मार्टफोन है पूरा हो चुका है रेडी, फिंगरप्रिंट और सारे लॉक वॉक सब लगा दिया, वॉलपेपर वगैरह सब लगा दिया, क्योंकि मेरा फेवरेट वेनम है, तो सारे वॉलपेपर और सेटिंग्स और गेम वेम सब लोड कर लिया है, ओएलएक्स वगैरह सब कर लिया है। और मैंने इसको लगभग 3 घंटे चलाया है, 3 घंटे से ज़्यादा। फिर मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसके बारे में, मैंने सारे टेस्ट कर लिए हैं, कैमरे से लेके आपका नाइट मोड, क्योंकि अभी अंधेरा हो रहा है तो मैंने नाइट मोड में ज़्यादा फ़ोटो खींचे थे। तो पहले तो चलते हैं हम लोग सेटिंग में, उसका यूआई देखते हैं। एंड्रॉयड आपको इसमें फनटच ओएस देखने को मिलेगा और एंड्रॉयड वर्जन आप 12 देखने को मिलेगा। तो एंड्रॉयड वर्जन को हम लोग खोलते हैं यहाँ पर, तो आपको देख पूरा ये क्लॉक जो है 12 बजाने पड़ेंगे, तब जाके आपको एक मैजिक छोटा सा दिखेगा। ये देखिए, तो ये आपका एंड्रॉयड 12 का, और ये है आपका 8GB रैम और 4GB एक्सपेंडेबल। मतलब ये है कि अगर आपने स्टोरेज पूरा नहीं फुल करा है तो वो कुछ ना कुछ ऑप्टिमाइजेशन करके आपका 4GB और देगा रैम। और फ़ोन स्टोरेज है आपका 128GB, अभी कोई अपडेट नहीं है इस पर, मैं देख चुका हूँ। बस आपको इसमें छोटी सी ये दिक्कत देखने को मिलेगी, जैसे कि आपने YouTube खोला तो आप कोई वीडियो देखते हैं, बहुत मतलब हमने भी इसको देखा, आधा घंटा वीडियो देखी, तो मेरे साथ हो ये रहा था बार बार कि YouTube क्रैश हो जा रहा था। तो आपको पूरा YouTube ये जो भी चल रहा है वो भी नहीं चलेगा, आपको पूरा YouTube न्यू हटाना पड़ेगा और फिर इसको पूरा ऐप को किल करना पड़ेगा, फिर जाके जब आप खोलेंगे तब YouTube चलेगा। तो गाइस, वीवो को इस चीज़ को ठीक करना चाहिए अपडेट के थ्रू, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। मैं ये पहला वीवो V23 वाला यूज़र नहीं हूँ कि आपको बता रहा हूँ कि YouTube क्रैश हो रहा है। जितने भी हमने देखे हैं यूट्यूबर्स को और जो भी मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह, बहुत फ्रेंड मेरे 4-5 फ्रेंड्स ने लिया है फ़ोन, तो वो लोग भी यही इशू बता रहे थे कि भाई बार बार यूट्यूब क्रैश हो जाता है, स्टॉप हो जाता है वर्किंग करना। तो उसका यही उपाय है कि भाई होम में जाइए, ऐप हटाइए, फिर यूट्यूब खोलिए। तो यार, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो फिर देख नहीं सकते हैं। और आपको स्पीकर टेस्ट कराते हैं, स्पीकर आप देखिए, इसका सिंगल स्पीकर है लेकिन बहुत तेज़ है स्पीकर, अगर डबल होता तो भाई अलग ही मज़ा आ जाता। तो ये देखिए, देखा आपने, हम बात कर रहे थे YouTube क्रैश होने की और YouTube क्रैश हो गया। ये देखिए, कुछ नहीं वर्क कर रहा है, ये देखिए, कहीं से भी ये वर्क नहीं करने वाला। अब आपको अगर ऐसे यकीन नहीं हो रहा तो दूसरी वीडियो चला के दिखाते हैं, बस यही होगा, ये क्रैश हो चुके हैं भाई साहब। ये देखिए, अब एकदम नहीं चल रहा है, पर नीचे स्क्रॉल कर रहे थे नहीं चल रहा था, अब चला है। ये देखिए टच कर रहे हैं क्या बार, अब जाके खुला है। तो अभी इसको सही करना है, तो आप इसको हटाइए और फिर YouTube खोलिए। अब देखिएगा, कोई भी वीडियो हम लोग ओपन करते हैं, तो ये हमने वीडियो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की खोल ली, तो ये देखिए चल गई, देख रहे हैं ये टाइप की। तो स्पीकर देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और अब हम लोग आ जाते हैं इसके कैमरे की तरफ और इसके कुछ कैमरे के फीचर्स की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल फीचर्स हैं वीवो के। तो हम लोग ने ये कैमरा खोल लिया, तो ये जो आप फ्लैश लाइट देख रहे हैं दोनों तरफ, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, मैं गए ऑलवेज ऑन, अब आप डिफ़ॉल्ट में हैं, तो इसको हम करते हैं वार्म येलो। तो देखिए वार्म येलो हो गया है,
और अब इसको कोल्ड वाइट करते हैं तो ये कोल्ड वाइट हो गया है। तो ये फीचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और इसका सेल्फी का कैमरा भाई साहब बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और मैं आपको बता दूँ, इसका फ्रंट कैमरा है 50+8 मेगापिक्सल का। तो बात कर लेते हैं अब इसके मेन कैमरे की। तो प्राइमरी कैमरा इसका है 64 मेगापिक्सल का, और सेकेंडरी है जो अल्ट्रा वाइड के लिए है वो है 8 मेगापिक्सल का, और थर्ड वाला है 2 मेगापिक्सल का। तो आप सबको इसके कुछ बैक कैमरास के सैंपल दिखाते हैं। तो आप ये देखिए, ये वाला जो फ़ोटो है ना, पिक्सल कहीं से टेयर नहीं हो रहे हैं। तो आप सब जानते ही हैं कि वीवो का फ़ोन जाना ही जाता है कैमरे के लिए। तो इसका कैमरा बहुत ज़्यादा ही बेहतर। आपका मेन फोकस है कि आपको कैमरा यूज़ करना है, तो नो डाउट आप इस फ़ोन के लिए आँख बंद करके जा सकते हैं, क्योंकि इसका कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्लोज में था और ये अल्ट्रा वाइड में था। ये देखिए, कैमरा आपको बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। ये अल्ट्रा वाइड था और ये वाला नॉर्मल शॉट था। और अब इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं, तो आपको इसमें 6.44 इंच की फुल HD एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। बस मुझे एक बात इसकी ये ख़राब लगी कि इसका नॉच कुछ ज़्यादा बड़ा है। अगर ये छोटा होता तो मज़ा आ जाता। और बेजल्स आपको बहुत ज़्यादा ही कम देखने को मिल जाएंगे इसमें, क्योंकि एकदम स्लिम फ़ोन है। सामने से देखिए, बेजल्स बहुत ही कम है इसके, जो कि फ़ोन को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। और कलर आप देखिए कितने ज़्यादा शार्प और पंची हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले है इसकी, गेमिंग वगैरह करने में मज़ा आ जाने वाला है। और इसमें आपको 90 और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैं अभी बैक करके दिखाता हूँ आप सबको सेटिंग में। ये हम आ गए सेटिंग में, और आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाना पड़ेगा। और फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्क्रीन रिफ्रेश रेट्स। तो मैं, मेरा 90 हर्ट्ज पे सेट है, आप 60 हर्ट्ज पे भी कर सकते हैं, लेकिन कौन करेगा। सब आधे से ज़्यादा लोग तो, मतलब 99% लोग तो 90 हर्ट्ज पे चलाने वाले हैं। अगर 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट होते इसमें तो भाई एक कसम से मज़ा ही आ जाने वाला था। लेकिन 90 हर्ट्ज में भी इतनी अच्छी डिस्प्ले है इसकी, स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है और कहीं भी लैग नहीं करता है। तो मल्टीटास्किंग और मतलब डेली यूज़ में तो आपको इस फ़ोन को यूज़ करने में मज़ा आ जाने वाला है। लेकिन बस एक यही मुझे इस चीज़ की ख़राबी लगी, मतलब ख़राबी नहीं है, बस छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन कुछ लोग अगर गेमिंग करते हैं तो 120 हर्ट्ज की आपको ज़रूरत मतलब अब पड़ने वाली है, क्योंकि आप इतने पबजी वगैरह सब खेलते हैं। तो कोई, मैंने गेम इसमें खेला था लेकिन दिक्कत नहीं हुई मुझे, आप सबके ऊपर है। तो 90 हर्ट्ज देखने को मिलता है इसमें। और आपको इस स्मार्टफोन में 4200 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि मुझे नहीं समझ आई। एक दिन का बैटरी बैकअप तो निकाल देती है आराम से, अगर आप इसको डार्क मोड पे और अगर लाइट यूज़ करेंगे। और लेकिन वो मैटर नहीं करता, अगर 4500 कर देते तो मज़ा आ जाता है, लेकिन पता नहीं चलता। एक दिन का आराम से बैटरी बैकअप निकाल देती है, और गेमिंग करेंगे आप तो उसका हमें नहीं पता, क्योंकि अभी हमने इसमें एक्सट्रीम गेमिंग नहीं करी है। और आपको बता दें कि इसको पूरा फुल चार्ज होने में 1 घंटा लग जाता है। और गाइस, इस स्मार्टफोन की एक और एक आपको बताएं कि ये जो फ़ोन डायलर आपको देखने को मिल रहा है, ये वीवो का नहीं है, ये गूगल का है। और ये जो फाइल मैनेजर है इसका, वो भी गूगल का है। तो ये चीज़ हमें लगा था कि वीवो का होगा फाइल मैनेजर और फ़ोन डायलर, लेकिन वीवो ने अपना नहीं दिया है, गूगल का है। आपको इस गूगल के फ़ोन डायलर में एक डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा कि आप किसी की भी कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक इशू था, मैंने आप सबको बता दिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की, तो देखने को मिल जाएगा इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 920, जो कि ये पहला इंडिया का स्मार्टफोन है जिसमें ये प्रोसेसर दिया। तो गाइस, अब आ जाते हैं इसके अनलॉक फीचर्स की तरफ। तो आपको इसमें ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ही फास्ट है। फिर से अनलॉक कर लेते हैं हम लोग, और अब देखते हैं फेस अनलॉक कितना फास्ट है। तो देखिए, फेस अनलॉक भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ज़्यादा ही फास्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मुझे स्पेशली जिन स्मार्टफोन्स में ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग, मज़ा आती है मुझे यार, मतलब मेरा फेवरेट है। तो गाइस, अब हम लोग करते हैं इसमें गेम टेस्ट, थोड़ा सा गेम खेलेंगे, ज़्यादा नहीं, वो वीडियो का एंड होने ही वाला है। तो हमने सोचा थोड़ा सा आप लोग को गेम प्ले दिखा दें, इसमें गेम कैसा चल रहा है। मैं बहुत कम पबजी खेलता हूँ, मतलब एंड्रॉयड पे तो बहुत कम ही खेलता हूँ। तो गाइस, गेम स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक इसका फीचर्स बताते हैं। ये देखिए, आपको इसमें गेम मोड मिल जाएगा, आपको देखने को 4D गेम वाइब्रेशन देखने को मिल जाएगा, और भी बहुत से फीचर्स हैं। ई स्पोर्ट्स मोड, वॉइस चेंजर, जी हाँ, ये सबसे तगड़ा और भाई साहब अच्छा फीचर है
अगर आप किसी को उल्लू बनाना है, जैसे आप वॉइस चैट वगैरह करते हैं, तो आप चाइल्ड की काउबॉय और लड़की की भी, इवन लड़की की भी, हाँ जेंडर चेंज कर सकते हैं आप। म्यूट नोटिफिकेशन है, लॉक ब्राइटनेस है, और आपको ऑटो प्ले भी स्क्रीन ऑफ देखने को मिल जाएगा, स्क्रीन शॉट और रिकॉर्ड स्क्रीन मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं और आपका एकदम से वो मोमेंट रिकॉर्ड करने का मन कर गया, तो आप जल्दी से लेफ्ट स्वाइप करिए और बस ये फीचर खुल जाएगा, तो आप बस इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो ये था इसका गेम फीचर। हम लोग गेम लगा लेते हैं भाई क्लासिक। तो हमारा गेम हो चुका है स्टार्ट। ग्राफिक्स आप सब देख सकते हैं, सेटिंग भी दिखा दें आपको जिस पर लगी है। HDR, अल्ट्रा HD नहीं जाता है, स्मूथ एक्सट्रीम जाता है, और HDR पे अल्ट्रा जाता है, और अल्ट्रा HD तो जाता ही नहीं है। सेटिंग्स देख के आप निराश ना होइए, HDR अल्ट्रा पे भी बहुत ज़्यादा स्मूथ और अच्छा चला रहा है। फ्रेम ड्रॉप्स आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगे। स्पाइडरमैन मिल गया, स्पाइडू भाई, चलो मान गए, अनफॉलो करो उनको। जल्दी से कुछ देखते हैं, बहुत ज्यादा ही स्मूथ चल रहा है वो रहा बंदा। उठा से तुम ना मारना भाई, मैं मारूंगा। तो भाई साहब हैप्टिक फीडबैक, जो इसके जो मोटर हैं भाई, इतने तगड़े वाइब्रेट कर रहे हैं यार। ये चीज़ अभी मैंने नोटिस करी, 4D गेम वाइब्रेशन सच में बहुत ज़्यादा ही तगड़ा है भाई इस फोन में यार, मज़ा आ गई। तो यार बहुत लंबा गेम प्ले हो जाएगा, तो यार एक किल कर लिया बस। तो गेम प्ले बहुत ज़्यादा स्मूथ है इसका, हटा लेते हैं हम लोग। वैसे गेम प्ले आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ देखने को मिल जाएगा इसमें, मतलब फ्रेम ड्रॉप भी नहीं हो रहे हैं और बहुत स्मूथ चल रहा है। अभी हमने ज़्यादा गेमिंग टेस्ट नहीं किया। तो गाइस ये था हमारा वीवो V23। तो आई होप आप लोग को फीचर्स के मतलब अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको कैमरे के लिए फ़ोन चाहिए, तो आप आँख बंद करके इस फ़ोन के लिए जा सकते हैं। और गेमिंग भी मतलब एवरेज है, मतलब एवरेज नहीं अच्छी है। जो यूट्यूब का क्रैश वाला मामला है, वो अगर अपडेट के थ्रू सही हो जाए, वीवो सही कर दे, तो यार मज़ा आ जाए। क्योंकि यार दिस डेज हम सब लोग, यूथ लोग जो हैं, सब YouTube सबसे ज़्यादा चलाते हैं, और उसी में गड़बड़ी आती है। बार बार हटा के जो ऐप किल करके फिर लगाना पड़ता है ऐप को, वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। इन फ्यूचर आई होप कि मतलब वीवो अपडेट के थ्रू सही कर देगा। और इस फ़ोन में अभी तक तो मैंने जो भी मतलब जितना भी चलाया और टेस्ट करा है, तो उस हिसाब से तो ये फ़ोन बेस्ट है। तो मेरे लिए तो यार ये फ़ोन वर्थ है। अभी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें इस फ़ोन में, बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं, और इसका लुक डिज़ाइन, और बस एक भी सब यही मतलब गड़बड़ी है कि बस सिंगल स्पीकर है। अगर डबल होता तो भाई फ्लैगशिप तो फ़ोन है ही, लेकिन तब तो यार एकदम बूम हो जाता, मतलब फिर तो यार एकदम पटाखे जैसा बिकता ये, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बिक रहा है फ़ोन। ऑनलाइन आप इसको परचेस कर सकते हैं HDFC का क्रेडिट कार्ड लगा के, वहाँ पर आपको 2500 या 3000 समथिंग का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ये फ़ोन आपके लिए फिर 26500 का बन जाएगा। मेरे घर में किसी के पास HDFC का क्रेडिट कार्ड नहीं था, और ये फ़ोन मैंने अपने पैसों से लिया था, तो इसलिए मैंने ना घर पे किसी को बताया, तो मैंने इसलिए घर पे किसी को नहीं बताया। अगर फादर को अपने बताता तो वो दिला देते, लेकिन मैंने उनसे नहीं बताया, ना मम्मी से बताया। तो ये फ़ोन भाई साहब डेफिनेटली मैंने अपने पैसों से लिया है। तो कोई भी गलत कमेंट ना करना कि यार अपने बाप के पैसों पर और मम्मी के पैसों पर ऐश कर रहे हो। जो भी भाई कर रहा हूँ, मेहनत से कर रहा हूँ, तो आप लोग को भी ऊपर वाला दे। और ऐसे ही, और मैं वीडियो टेक की नहीं बनाता हूँ, कभी कभी जो चीज़ें मैं लेता हूँ, जनरली जो चीज़ें मैं ख़रीदता हूँ, बाय करता हूँ, उसकी वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आप सबसे अगले व्लॉग में। मैं व्लॉगिंग करता हूँ, टेक की वीडियोज़ बहुत कम बनाता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करिएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। I'm not afraid of the dark.